दोस्तों एमबी स्टूडियो राड में आपका स्वागत है। हमारी सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल एमबी स्टूडियो राड को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल बटन को भी दबाइए ताकि हमारी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि फोटोशॉप में बैकग्राउंड किसी भी पिक्चर का कैसे रिमूव किया जाता है। सबसे पहले हम जिस फोटो पे हमने बैकग्राउंड चेंज करना है उस वो फोटो लेंगे, उसके बाद इसे सेलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे और उसको हटा देंगे। अगर आपके पास फोटोशॉप का पुराना वर्जन है तो आप कोई और टूल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सीसी वर्जन 2016-17 है तो ये सबसे अच्छा टूल है सेलेक्ट करने के लिए, आसानी से इससे सेलेक्ट हो जाता है। और अगर आपने हेयर के बैकग्राउंड रिमूव करने हैं तो इस सेटिंग्स को भी करना पड़ेगा, आपको रिफाइन एज करना पड़ेगा। ऐसा करने से हेयर का बैकग्राउंड है जो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगा। हमने मास्क से बैकग्राउंड रिमूव किया है, अगर आपने कंट्रोल एक्स करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड को लेके आएंगे हम, जो भी आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हैं। अब इस फोटो को बैकग्राउंड के ऊपर हम फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद हम थोड़ी सी कलर मैचिंग भी करेंगे। दोस्तों हमारी फ़ोटो तैयार हो चुकी है। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट है जो वो रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम इसे सेव कर लेंगे। अगर आप वेब रेफरेंस की
चेंज करने चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इन्हीं फ़ोटो पे प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।